हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन हुए 5 दिन हो गया लेकिन अभी तक पासपोर्ट हमारे घर पर नहीं आया, तो इसके पीछे का रीजन क्या है। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था कि सर इसके ऊपर ही बताओ, हमारा 5 दिन हो गया पुलिस वेरिफिकेशन कराया, 10 दिन वेरिफिकेशन कराया हो गया, तो कौन से रीजन की वजह से हमारा पासपोर्ट नहीं आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे का पासपोर्ट नहीं आने का। तो मैंने सोचा, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, फिर सोचा कि भाई अगर आप लोग इतना कमेंट्स कर रहे होते इसके ऊपर एक और पर्टिकुलर वीडियो बना दूं और आपको बता दूं कि भाई पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं जा रहा है तो कौन से रीजन की वजह से नहीं जा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं पहुंचा अभी तक। स्टिल 5-10 दिन हो गया पुलिस वेरिफिकेशन कराए फिर भी आपका पासपोर्ट रुका हुआ है, क्या रीजन हो सकता है। नंबर 1 पॉइंट, देखो अब हम सोचते हैं ना पुलिस वेरिफिकेशन के बाद हमारा सारा काम हो गया, बट नहीं भाई, उसके बाद भी काम रहता है। बेसिकली आपका तो नहीं रहता है लेकिन आगे का प्रोसीजर रहता है, जैसे आपके लोकल थाने से फाइल आपकी एसपी ऑफिस आती है तो वहां पर भी आपकी फाइल को वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद आपकी फाइल चली जाती है RPO रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, तो वहां पर भी आपकी फाइल को रिव्यू किया जाता है, 5-6 दिनों तक रिव्यू में रहता है। उसके बाद कहीं जाकर जब सब कुछ सही रहता है तब जाकर आपका पासपोर्ट आपके पास आता है। अब बात करते हैं कि कौन से रीजन की वजह से इन दोनों जगहों पर फाइल जाती है तो रुक जाती है कि पासपोर्ट हमारा नहीं आता है। देखो 5-10 दिन अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन हुए हो गया तो पासपोर्ट डेफिनेटली आपके घर पहुंच गया होगा, लेकिन जिन लोगों का नहीं पहुंचा इन्हीं जगहों में कहीं ना कहीं रुका है किसी न किसी रीजन की वजह से। मैं आपको रीजन बताने वाला हूं कि कौन से रीजन की वजह से आपका पासपोर्ट वहां पर रुका हो सकता है, मतलब कि मैं आपको काउंट कराऊंगा वो सारे रीजन जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट रुका हो सकता है। पहला पॉइंट, देखो जब हमारी फाइल एसपी ऑफिस जाती है तो वहां पर रुक जाती है, क्योंकि कभी कभी पुलिस थाने में जो है अगर आपके नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि आपके ऊपर कभी केस हुआ था, FIR हुआ था, ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो कभी कभी एसपी ऑफिस में रिव्यू दोबारा करते हैं तो वहां पर मिल जाता है भैया आपके ऊपर तो पहले भी केस हुआ था, तो उस कंडीशन में आपकी फाइल को एसपी ऑफिस रोक दिया देता है, फिर उसके बाद आपकी फाइल को RPO भेज देते हैं। तो उस कंडीशन में आप अगर देखो एसपी ऑफिस में रुका है तो डायरेक्ट एसपी ऑफिस जाकर विजिट करो, उनसे बात करो कि उसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो सॉल्यूशन बता देंगे। अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना और जो भी वो बोलेंगे एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट लाने के लिए उसको आपको लेकर जाना होगा, तो उसका सॉल्यूशन आप वहीं पर करवा सकते हो। अब मान लो कि एसपी ऑफिस के बाद आपकी फाइल RPO चली गई है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, आपने हमेशा अपना स्टेटस चेक किया होगा तो आपने हमेशा देखा होगा कि आपकी फाइल जो है रिव्यू में है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, महीना दिन हो गए, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 1 साल से RPO में रुका हुआ है। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, मूल कारण क्या हो सकता है जिसकी वजह से आपकी फाइल RPO में। बेसिकली अगर बात की जाए ना तो 2-3 दिन तक हमारी फाइल RPO में रुकी रहती है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में, ये नॉर्मल है, हर किसी का रुकता है, क्योंकि उसी बीच में आपके फाइल को रिव्यू किया जाता है, चेक किया जाता है भाई कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, उस पासपोर्ट के थ्रू आप इंडिया के बाहर जा सकते हो, इसलिए पासपोर्ट बनवाने में थोड़ा सा भाई बहुत सारा रिसर्च होता है, बहुत सारा वो लोग वेरीफाई करते हैं कहीं आपने कोई और डॉक्यूमेंट मतलब मिसयूज वाला तो ऐसा नहीं, यूज के लिए फ्रॉड वगैरह तो नहीं करते, इसलिए वो लोग चेक करते हैं। अब बात करते हैं कौन से रीजन की वजह से हमारी फाइल RPO में रुकी हो सकती है, उसका कारण क्या हो सकता है। सबसे पहला कारण, आपकी मार्कशीट को वो लोग वेरीफाई करते हैं कि जो आपने मार्कशीट दी है वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, उसको वेरीफाई करने के लिए वो आपके बोर्ड के पास आपके मार्कशीट को भेजते हैं, मतलब कि उसका जेरोक्स भेजे या जो भी भेजे वो बोर्ड के पास भेजते हैं, तो इसमें काफी टाइम लग जाता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो इस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। नंबर 2 पॉइंट, अगर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आपकी फाइल चली गई है तो फिर उसके बाद पता चलता है भाई आपने तो बहुत पहले भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था फिर उस फाइल को ऐसे ही छोड़ दिया था, तो उस कंडीशन में आपकी फाइल RPO में रुक जाती है, फिर क्या करना होगा आपको, उसका सोल्यूशन है कि आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेकर जाना होगा, फिर आपको अपनी पुरानी वाली फाइल को क्लोज करवाना होगा, फिर उसके बाद आपकी नई वाली फाइल का पासपोर्ट बनेगा, बिना पुरानी वाली फाइल को क्लोज करें आपका पासपोर्ट दोबारा नहीं, ठीक है। अब नंबर 3 पॉइंट की बात करते हैं, और कौन से रीजन की वजह से आपकी फाइल RPO में रुक सकती है, तो भाई RPO में रुकने के लिए एक और वजह है कि वहां पर अगर वो लोग रिव्यू करते हैं तो नाम या फिर एज या पेरेंट्स नेम में कोई डिफरेंट आता है, कोई स्पेलिंग कैरेक्टर का भी मिस्टेक आता है, तो वो वहां पर उस कंडीशन में आपकी फाइल को रोक देते हैं, फिर आगे कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है भाई,
फिर उसके बाद आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेकर जाना होता है, और अपॉइंटमेंट लेकर आप वहाँ जाते हो तो उसके बाद वहाँ पर उसका सॉल्यूशन किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर आना है कौन सा नहीं। ऐसे बहुत सारे और भी कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपकी फाइल जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुक जाती है। तो बेसिकली मैंने 3 आपको प्रॉब्लम्स काउंट करा दिया है, और भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो मैंने आपको बता दिया कि कौन से कारण की वजह से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद भी आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं पहुंचा। तो इसका मूल एक निवारण ये है कि आप जो है अगर कभी भी शो करता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आरपीओ में आपकी फाइल रुकी है तो 5-10 दिन तक वेट करो, इससे ज़्यादा वेट मत करो। आप तुरंत रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का जो है अपॉइंटमेंट बुक कराओ, वहाँ पर जाओ, और वहाँ पर जाने के बाद आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपसे अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रहा है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी टैब में जा सकते हो। कम्युनिटी टैब में आप थोड़ा नीचे जाने के बाद आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ओनली व्हाट्सअप, नो कॉलिंग। तो आपका अपॉइंटमेंट मेरी टीम जो है बुक करके दे देगी। तो चलिए आज के हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।